करें डोज में आते हैं तो डोज में भी यहाँ पे पहले कपड़ा आता था, ये मैंने लेदरेट करा है, पीयू है बेसिकली। फिर अगर नीचे की बात करें पूरे डोज पे डैम्पिंग है, बाहर के उसमें देखे कुछ नहीं है इसमें, जो कि मुझे इसमें नहीं दिख रहा है और मुझे यहाँ पे पूरा वाइट दिख रहा है। डुअल स्क्रीन पे भी आपको व्यू मिल जाता है। अब डिग्गी की तरफ चलते हैं तो इंटरनल वायरिंग कराई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में जो मैंने एक्सेसरीज लगवाई है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैंने इसमें कस्टमाइज सीट कवर्स डलवाए हैं जो कि हैं बकेट फिट। फिर अगर बात करें डोज में आते हैं तो डोज में भी यहाँ पे पहले कपड़ा आता था, ये मैंने लेदरेट करा है, पीयू है बेसिकली। फिर अगर नीचे की बात करें तो इसमें मैंने इन्फिनिटी के कंपोनेंट डलवाए हैं। पूरे डोज पे डैम्पिंग है डुअल साइड, इनर साइड एंड आउटर साइड दोनों। वो डैम्पिंग कैसी है वो मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ की आवाज, तो चारों डोर्स पे डैम्पिंग हुई है। फिर अगर बात करें पीछे के डोर की तो पीछे के डोर में भी आप देख सकते हो ये पूरा कपड़ा हटा के पीयू कराया, इसमें भी कंपोनेंट डले हैं, सीट कवर्स पूरी चेंज है। तो ये सब इसमें हुआ है। बाहर के उसमें देखे तो मैंने कुछ भी, एक ये जो होता है, जो भी होता है नाम भूल लो मैं इसका, ये कराया है, ठीक है। बाहर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशंस कराए हैं। जो भी मैंने इसमें एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन कराए हैं मैंने टोटल अंदर कराए हैं। अब अगर अंदर देखें जो इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है वो हुआ है इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कि मैंने साउंडटेक कंपनी का लगवाया है, जो कि है एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले वायरलेस। ऑन करके दिखाता हूँ। और दूसरा एम्बिएंट लाइटिंग है जो मैंने फ्लोर्स पे लगवाई है। हेलो डिंग डिंग पाई बोली तो इन्हें भी दिखा दें। तो अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे लगा हुआ है डैश कैम, जो कि एक मस्ट नेसेसरी है, एसेसरीज का पार्ट है जो आपकी कार में होना चाहिए। ये एंड्रॉयड सिस्टम लगवाया मैंने। अब इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है मैं आपको बताऊं, ये पहली इनोवा होगी जिसमें फ्रंट में कैमरा। ये मैं क्या, ये देखो फ्रंट व्यू पूरा वाइड एंगल, ये रियर व्यू, और मेरी कार इस टाइम है न्यूट्रल में। अच्छा, अब इसका मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मैं इसे रनिंग में यूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि ये हट, मैंने जब कार रन करेगी तो ये स्क्रीन हट जाएगी, आराम से चलेगी। अब इसका अगर मैं ये ब्लाइंड हटाऊं तो आप एक चीज रिवर्स कैमरे में देखना, एंगल कहां तक आ रहा है, और जो मेरा व्यू एंगल है ये है मेरा, मैं पेड़ तक देख सकता हूं, बस पेड़ के साइड से गाड़ी आ रही है वो नहीं। और अब यहां पे देखो ये पेड़ है और पूरा वाइट तक मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे पूरा वाइट दिख रहा है। देखो ये कार चली गई और ये मुझे यहाँ पे कार जाते हुए दिख रही है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो, 100% वो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट कर लेगा। भाई कई बार हाईवेज पे होता है कि आपको टर्न लेना है या रोड्स पे, आप सिंपल सा ये स्क्रीन चल रही है, डुअल स्क्रीन चल रही है, आपने ये प्रेस किया आपको पूरा व्यू मिल गया,
या तो आप इस पे भी आपको एक व्यू मिल जाता है, डुअल स्क्रीन पे भी आपको व्यू मिल जाता है। अच्छा, फ्रंट में मैंने जो इसके साथ कैमरा आया था वो मैंने इंस्टॉल करा है, ये मेरा कंपनी फिटेड कैमरा, तो थोड़ी सी देखो क्लैरिटी में डिफरेंस है, उतना एडजस्ट करना पड़ेगा अगर ये सब चीजें चाहिए गाड़ी में। तो अब मेरा रीजन क्या अपग्रेड करने का था, क्योंकि उसके जो कंपनी का स्टॉक सिस्टम था उसमें आ रही थी प्रॉब्लम, कभी कभार ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता था, एरर दिखा देता था, क्यों तो सिंपल था, सिर्फ उसमें कोई एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले कुछ था भी नहीं। इसमें आपने देखा स्टार्ट करते ही कनेक्ट हो गया मेरा फोन, एंड्रॉयड फोन। तो मुझे इस सिस्टम की ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि भाई आपको फ्रंट का भी पूरा व्यू, साइड का मिल रहा है, क्योंकि भाई नीचे अगर आप यहां से देखो ये व्यू है मेरा, मुझे नीचे नहीं दिख रहा कि क्या क्या है। मुझे अगर देखें आप ये देखो, ये एक पेड़ दिख, घास दिख रही है, और यहां पे देखो आप नीचे क्या है, ये घास है, ये घास है, और ये जो मुझे व्यू दिख रहा था। तो कभी कभार क्या होता है कि आप रैंडमली आपने कहीं गाड़ी पार्क की, आपको फ्रंट में नहीं पता, चाहे पहाड़ों पे जा रहे हो, क्या पत्थर है, तो एटलीस्ट आप जब गाड़ी ऑन करो, आपने फ्रंट का मैंने ये सिस्टम ऑन किया, डुअल स्क्रीन फ्रंट कैमरा रिवर्स कैमरा दिख रहा है, आपको एक आइडिया लग जाए भैया सामने पत्थर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे हिट नहीं करोगे। तो ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, जिस वजह से मैं गया। इसमें ऑप्शंस बहुत आते हैं, 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉलेशन, हर एक चीज, लेकिन मुझे ये यूज टू लगा। इससे मुझे एक तरीके फ्रंट का पूरा व्यू मिल रहा है, रिवर्स का व्यू मिल रहा है, बाकी मेरे भैया हाँ साइड व्यू मिरर है जो मेरे पूरे काम कर रहे हैं, जो मुझे पूरा व्यू दे रहे हैं। तो ये एक एड ऑन हो गया फीचर इसमें। तो अब डिग्गी की तरफ चलते हैं, तो डिग्गी में बूट में हमारे आता है पाइनियर का 12 इंचेस सबवूफर, इसकी साउंड भाई साहब लाजवाब है, कम पैसे में भरपूर मजा, और इतना सिस्टम अपग्रेड और स्पीकर्स अपग्रेड करने पे मैंने इसमें एक्सटर्नल वायरिंग कराई है। अगर आप ये देखो यहां पे आपको पूरे वायर्स दिख रहे हैं, एक मिनट ये देखो आप, ये पूरे वायर्स चारों डोर सब वूफर जो है, वूफर जो है उसके पूरे वायर्स हैं। तो ये सब मैंने कराया, और अगर मैं बात करूं ओवरऑल कॉस्टिंग की, तो नियर बाय टोटल मुझे आज तक इसमें लगे होंगे 1.25 लाख के आसपास मेरे पैसे लग गए हैं इसमें, जो डैम्पिंग हुई है चारों डोर्स पे, कंपोनेंट हैं, चारों कंपोनेंट हैं, सब वूफर है, वो आपका हेड यूनिट चेंज है, साउंड क्लैरिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकता। जो पहले स्टॉक कंपनी वाला जो सिस्टम था उसमें थोड़ी सी साउंड क्लैरिटी मुझे में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब से ये यूनिट मैंने डाला है भाई साहब इतनी अच्छी साउंड क्लैरिटी, मैं तो इसका फैन हो गया। अच्छा, अगर फ्रंट में आए तो फ्रंट में मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प लगवाए हैं, ये बॉश के हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसमें मैंने LED डाली हुई है, जिसका थ्रो अल्टीमेट है। मुझे सिंपल एसेसरीज या मॉडिफिकेशन आप जो कह लो वो पसंद है, तो उसी हिसाब से मैंने बाहर एक्सटीरियर में ना कोई मैंने इसमें अलॉयज अपग्रेड करा, मुझे नेसेसिटी नहीं पड़ी। हाँ, कंपनी अगर थोड़े से अपग्रेड साइज देती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन जो कंपनी ने स्टॉक दिया मैं उसी पे चला रहा हूँ। बाहर से ऐसे मैंने इसमें कुछ नहीं अपग्रेड कराया, जो मैंने इसे अपग्रेड किया है वो इसके इनर पार्ट्स में म्यूजिक सिस्टम हो गया, सीट कवर्स हो गई, मैटिंग हो गई, ये सब मैंने किया है। और कभी भी आप कोई, अगर मैं आपको एक ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इतने साल का, कि कभी भी आप अगर कोई अपग्रेड करा रहे हो तो कोशिश करो उसकी प्रॉपर वायरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वायरिंग नहीं होगी, मैंने बहुत लोगों के उसमें देखा है कि आए दिन उनके कार के
फ्यूज खराब हो जाते हैं, लोगों ने अपग्रेड कराए सिस्टम। मेरी गाड़ी में इतनी वायरिंग हो चुकी है मैं बता नहीं सकता, आज तक कोई भी चाहे बैटरी में कोई इशू नहीं आया, ना कि आपके कोई इसके फ्यूज में कोई आज तक ये हुआ है कि भैया इसका फ्यूज उड़ गया। कोई भी अपग्रेड आप कराओ अपनी कार में, एसेसरी रिलेटेड कुछ भी आप सिस्टम अपग्रेड करो, लाइट्स अपग्रेड करो, तो देख लो भैया जो वायर जो कंपनी दे रही है वो क्या इतना वोल्टेज वॉटेज झेल पाएगी। अगर नहीं झेल पाएगी आप, हाँ आप जिस भी डीलर से लगवा रहे हो कार एसेसरीज वाले से, उससे ये चीज़ बोलो भैया अगर नहीं पावर को झेल पाएगी तो आप हाँ दूसरी वायर डाल दो। तो मेरा यही है, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इसी हिसाब से मैंने, मुझे आज तक इतने सालों में कभी भी कोई प्रॉब्लम टचवुड नहीं आई। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लास्ट वीडियो में थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करोगे। सो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।